सियासी मंजरनामे में आपको बताएं कि इसहाकडार की पीटीआई सरकार पर कड़े वार। साबिक वजीरे खजाना कहते हैं कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम हमारी नहीं पीटीआई सरकार की मजबूरी बन चुकी है क्योंकि हुकूमत आटा और चीनी स्कैंडल्स पर पर्दा डालना चाहती है। मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम पर हुकूमत के साथ कोई बार्गेन नहीं कर रही, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अठारहवीं तरमीम और पिछला NFE अवार्ड हुकूमत से कुछ मुशावरत कर रही है और उसके बदले में नैब ऑर्डिनेंस में ऐसी तरमीम मांग रही है जिससे मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम के जो सजाएं हैं वो मुअत्तल हों। ये टोटल सरासर झूठ है और ऐसी अफवाहें फैलाना इस हुकूमत का काम है क्योंकि ये माशी तौर पर नाकाम हो चुके हैं, ये खारजी तौर पर नाकाम हो चुके हैं। ना कोई मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐसी कोई डिमांड है, ना कोई मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐसा इनके साथ कोई इंटरेक्शन है। ECC के फैसले चीनी की इजाज़त देना, काबीना का मंजूरी देना, उस तरह की चीज़ों को ये कवर अप करना चाहते हैं, चाहे वो आटे का स्कैंडल हो, वो चीनी का स्कैंडल हो, अवाम की जेब से 100 रुपए लूटे जा चुके हों, तो उन चीज़ों को कवर करने के लिए ये नैब के कवानीन में तरामीम की हुकूमत की ज़रूरत है, वो मियां नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून या इसकी क़यादत की ज़रूरत नहीं है।